नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राशिफल के बारे में कि राशिफल क्या है और 1 जुलाई 2019 से लेकर के 7 जुलाई 2019 तक क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या हैं आपकी ग्रहों की परिस्थितियां, क्या ग्रहों की चाल आपकी चल रही है। तो राशिफल बेसिकली कार्य कैसे करता है, व्यक्ति की जो जन्म राशि होती है, हिंदू ज्योतिष हमारे चैनल द्वारा जो राशिफल दिया जाता है वह राशिफल जन्म राशि के आधार पर दिया जाता है और जो कि बिल्कुल सटीक आता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमारा राशिफल बिल्कुल भी सटीक नहीं आता, बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो साथियों, उसके अंदर थोड़ी सी समस्या क्या होती है, आपकी जन्म राशि और नाम राशि में कभी कभी अंतर पाया जाता है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में चंद्रमा कहां विचरण कर रहा था, किस राशि में चंद्रमा चलायमान था, वही आपकी जन्म राशि मानी जाती है। जन्म राशि अनुसार कभी कभी नाम नहीं रखा जाता और जो जातक की नाम राशि होती है जातक उसी के हिसाब से अपना राशिफल देखता है जो कि बिल्कुल भी सटीक नहीं आता। तो हमें चाहिए कि सर्वप्रथम हम अपनी कुंडली के अंदर अपना जन्म राशि जान लें और जन्म राशि के अनुसार ही हम अपना राशिफल देखें। जन्म राशि अनुसार दिया हुआ राशिफल बिल्कुल सटीक आता है। तो आइए साथियों, बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि 1 जुलाई 2019 से लेकर 7 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष राशि मासारंभ में जुलाई मास के शुरू में ही चंद्रमा वृषभ राशि में चलायमान द्वितीय स्थान में स्थित है। साथ ही सूर्य, शुक्र व राहु मिथुन राशि के तृतीय भाव में स्थित है। मंगल व बुध कर्क राशि के चतुर्थ भाव में होकर के पड़े हैं। मंगल यहां नीच राशि में अपनी विद्यमान है। बृहस्पति वृश्चिक राशि का अष्टम भाव में तथा शनि व केतु धनु राशि के नवम भाव में चलायमान है। तो मेष राशि के जातक, 1 जुलाई 2019 को काम काज पर आप गंभीरता से पूरी ध्यान देने वाले हैं, पूरा कंसंट्रेशन 1 जुलाई को आपका अपने काम काज पर रहने वाला है। आपको किसी वरिष्ठ, किसी बड़े व्यक्ति का दिशा निर्देश मिल सकता है। आपको चाहिए कि आप कोई भी अगर इंपॉर्टेंट, कोई भी बड़ा काम आप कर रहे हैं तो उसमें किसी वरिष्ठ जन का, अपने किसी बुजुर्ग का आप आशीर्वाद जरूर लें, उनका दिशा निर्देश जरूर लें। जो भी आपको सलाह आपके वरिष्ठ जनों से मिलने वाली है वह भविष्य में जाकर के आपको सफलता दिलाएगी। आपका मार्गदर्शन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति करता है तो आपके लिए यह बहुत ही सौभाग्यशाली संकेत है। 2 व 3 जुलाई को रुपए पैसों की आवक आपके पास होने वाली है। आपका पुराना रुका हुआ पैसा 2 व 3 जुलाई को आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप अपने काम को दोगुनी रफ्तार के साथ पूरा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं 1, 2, 3 जुलाई को आपके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से भरी रहने वाली है। आप अपने काम काजों को फटाफट से पूरी रफ्तार से निपटा देंगे। मेष राशि के जातक, प्रतियोगिता में आपको सरलता से सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी प्रतियोगिता, किसी कंपटीशन के अंदर अगर हिस्सा ले रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, आप जरूर सफल होंगे, यही शुभकामनाएं मेरी भी आपके साथ हैं। 4 व 5 जुलाई की बात करें तो आप किसी साजिश या षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। आपके जो मित्र हैं वे भी कहीं ना कहीं आपको किसी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं। तो मेष राशि के जो साथी हैं वे सावधान हो जाइए। 4 व 5 जुलाई का जो दिन है थोड़ा बच करके चलें। आपके जो मित्र हैं वे भी आपके शत्रु आपको नजर आएंगे,
किसी षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। आपके अपने लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। ऐसे योग आपके यहां बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में आप अपना हाथ जरा सा तंग रखेंगे। आपको महसूस होगा कि आर्थिक मामलों में कहीं ना कहीं आपका हाथ तंग है। 4 व 5 जुलाई, इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य की आप शुरुआत करने की सोचेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 4 व 5 जुलाई को आप उसे ड्रॉप कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। 4 व 5 जुलाई को आपने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। 6 व 7 जुलाई को पढ़ाई करने वाले जो जातक हैं, उनको अपने अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। पूरी मेहनत से आप तैयारी कीजिए। 6 व 7 जुलाई को ग्रह आपके अनुकूल होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने मनोनुकूल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और अपने मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल इत्यादि में आपको एडमिशन मिल सकता है। मेष राशि के जातक, माता व पिता का संपूर्ण सहयोग व पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाला है 6 व 7 जुलाई को। इस समय कुछ नया सीखने की आपके अंदर एक नई उमंग और उत्साह आपके अंदर रहने वाला है, जिससे आप में कुछ नया करने की ललक उठेगी। 6 व 7 जुलाई किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ध्यान दीजिए, 4 व 5 जुलाई को आपके अनुकूल समय नहीं रहेगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 6 व 7 जुलाई का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मेष राशि के जितने भी साथी हैं, उन्होंने वीडियो को देखा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।